वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा एडवेंचरर। यस, सो सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ अपने घर से दिल्ली पहुँचने का। सो अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्यारे ज़िले में हूँ, बिजनौर। सो बिजनौर मेरा जो ओरिजिनल शहर है, जो ओरिजिनल घर है, वो यहीं पे है और मैं, ये मेरा घर है, बहुत प्यारा है, इसको मैं बहुत मिस करने वाला हूँ गाइस। सो एक बार ये आखिरी नज़ारा मैं ले रहा हूँ इस घर का, अपने घर का, और बैकपैक मेरे हो चुके हैं, मेरा लगेज तैयार है, सिर्फ निकलने की देरी है और बस थोड़ी देर में मुझे बस स्टैंड में पहुँचना है और कुछ ही देर में बस मुझे पकड़नी है, उसके बाद मैं अपना सफ़र शुरू करूँगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, स्टे विद मी एवरीवन, एंजॉय योरसेल्फ एंड एंजॉय दिस वीडियो एवरीवन। यस, 3 बैग मैं घर से लेकर के निकला हूँ। ये मेरा बड़ा बैग है जिसमें कपड़े हैं, और दूसरा बैग मम्मी ने दिया है जिसमें खाने की चीज़ें, तीसरे में लैपटॉप है, और एक छोटा सा पाउच बैग भी है मेरे पास जिसमें कैमरा का सामान है। और इस सफ़र के सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एवरीवन। ये मेरा पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग है गाइस, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप इंजॉइंग योर सेल्फ। सो गाइस, बस में मैं बैठ चुका हूँ, सीट मुझे मिली है विंडो वाली, जो हम सभी की फेवरेट सीट होती है विंडो सीट, क्योंकि आज थोड़ा सा क्राउड कम था और उसकी वजह से मुझे आसानी से सीट मिल गई बस में। मौसम बहुत बढ़िया है आज, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी है क्योंकि सुबह बारिश हुई थी तो ठंडा ही है मौसम। बारिश फिर से शुरू हो गई गाइस, और मुझे लगता है कि आज शाम से पहले ही रुकने वाली नहीं है। लो जी, धूप भी निकल गई। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसे पब्लिक में जाकर के रिकॉर्डिंग करूंगा, व्लॉगिंग करूंगा। ये मेरा सपना ही था जो मैं अभी पूरा कर रहा हूं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूं और थोड़ा सरप्राइज भी हूं कि मैं ये कैसे कर पा रहा हूं। तो जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 4K में, और मुझे लगता है कि ये पहली कुछ वीडियोस जो मैंने बनाई थी, पहले की जो वीडियोस हैं उनसे काफ़ी बेटर है क्वालिटी में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा ये लग रहा है। तो मुझे क्वालिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आया है। बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जिंदा हैं तो इससे बड़ा तोहफा आपकी ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में जिंदा हैं तो आप अपॉर्चुनिटी से भरे हुए हैं। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं ट्रैवलिंग करता रहूँगा और एक्सप्लोर करता रहूँगा, और इस एक्सप्लोरेशन के साथ मुझे सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने का भी मौका मिलता है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करता है। बस ऑलमोस्ट मैं दिल्ली पहुंच ही गया हूँ गाइस। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है, गर्मी और पसीने से मेरी टी शर्ट पीछे से पूरी चिपक गई है, और मैं बस वेट नहीं कर सकता बस स्टैंड पहुंचने तक का, क्योंकि सफ़र पूरा बस होने वाला है, बस स्टैंड पहुंचने की बस देरी है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुंच गए दिल्ली। बस का ये सफ़र था, सुबह में निकला था, और फाइनली आई हैव रीच्ड ऑलमोस्ट, बट अभी बस स्टैंड पहुंचना बाकी है, सो उसी का इंतज़ार हो रहा है। अरे भैया हटो यार, आराम से हटो, समय लेना आइयो, सबर कर ले, निकल जाओ आराम से।
एक से एक किरदार और एक से एक कार्टून मेरे रास्ते में आए। थोड़ी हंसी तो आ रही थी लेकिन क्या करें, ये जो फुटेज मैंने कैप्चर किया है ये मुझे काफ़ी इंटरटेनिंग लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। बहुत भीड़ है यार, उतरने नहीं दे रहे, पहले ही चढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या। Hey everyone, welcome back to my channel again, Baba Adventure. So basically, अभी मैं दिल्ली पहुंचा हूं, कश्मीरी गेट पे हूं, मेरे साथ ये पूरा सामान है और मेरे पीछे बैग भी है आप देखोगे तो दिस। सो अभी जो है यहां से बस स्टैंड से बाहर निकलने का रास्ता मैं ढूंढ रहा हूं और बहुत ही गर्मी हो गई है एक्चुअली, एंड सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था लेकिन अभी अचानक से बहुत गर्मी हो गई है, बाहर जाने का रास्ता मुझे मिल नहीं रहा कि कहाँ है, ये बोतल वाले भैया से पूछना पड़ेगा कि रास्ता किधर है। अरे भाई साहब, बाहर निकलने का रास्ता किधर है, वहाँ से जाएँ? अरे यार, उधर से जाना होगा, तो पहले रास्ता बाहर निकल जाता हूँ, देन उसके बाद आपके आप लोगों के साथ कनेक्ट करता हूँ गाइस। बाहर निकलने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता, या वहाँ से ऑटो मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। हाँ जी भैया, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर गेट नंबर 2 नहीं मेट्रो, बस वहीं अंदर गली में। कितना लोग है बताइए सर? लक्ष्मी नगर मेट्रो के पास में मेट्रो, हाँ अंदर अंदर घर है, घर है मेरा। कितने लेंगे, मीटर मीटर से चलोगे? आप क्या लेंगे बताइए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बैठो आप, जो देते हो दे देना, और चलो रेट बढ़ गया है सर। भाई जब इसमें कैमरा लगा है। जी हाँ जी हाँ, कैमरा फोटो आ रहा होगा मेरा। जी हाँ बिल्कुल, हैंडसम लग रहे हैं आप। अच्छा। बिल्कुल लगा है कैमरा। एक सेकंड सर, जरा सामान रख लेता हूँ मैं। 120 फाइनल है, ठीक है। हाँ हाँ जी हाँ जी, चलिए सी यू। ओह काफ़ी सुबह काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था लेकिन अभी थोड़ी गर्मी हो गई और फाइनली दिल्ली के ऑटो जो मैं काफ़ी मिस कर रहा था। दिल्ली जो है करीब 12-15 साल तो मैं रहा ही हूँ और हमेशा से कैमरा से बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, सो वही गाइस, कॉलेज और ग्रेजुएशन भी यही से हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर मैंने किया है यहाँ पर रह करके, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल सिटी। अभी तो मेरे ख्याल से मास्क भी लगाना छोड़ दिए है ना? हाँ वही ना मैम, अभी बस से उतरा हूँ, सब मुझे ऐसे देख रहे थे, पता नहीं। हाँ कोरोना के मैसेज तो आते हैं अभी भी, फ़ोन तो आते हैं अभी भी, लेकिन वही है कि अब लोगों ने मानना कम कर दिया, मतलब जी हाँ। सो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग जो मैं IZ1 एक्शन कैमरा से बना रहा हूँ, तो आई होप सारी वीडियो फुटेज काफ़ी अच्छी आ रही होंगी, काफ़ी अच्छी तो नहीं लेकिन कुछ तो सही आ रही होंगी, तो यही फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो आपका फीडबैक भी चाहिएगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो, एंड जस्ट लेट मी नो क्या और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। जी तो गाइज, ट्रैवलिंग व्लॉग बनाते हुए मेरा जो ये एक्सपीरियंस रहा है और IZ1 एक्शन कैमरा से जो मैंने रिकॉर्डिंग की है
उससे रिकॉर्डिंग करते हुए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए आपको इस वीडियो में थोड़ी सी वीडियो कहीं ना कहीं वो कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा है कैमरा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड था और मेरे पास लगेज भी था, 3 बैग मैं कैरी करके चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा थक भी गया था इसलिए मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था और वाइब्रेट भी कर रहा था, तो उसकी वजह से भी जो है कैमरा थोड़ा शेक कर रहा था। दूसरी चीज़ ये है कि मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ कि इसको कैसे स्टेबल किया जाए। यही है मजा यहाँ पे दिल्ली में ऑटो की सवारी है ना काफी, लेकिन आप लोग काफी मेहनत करते हो यार। कितने घंटे ड्राइव कर लेते हो आप? 10 घंटे। बस कुछ ही देर में आई एम गोना रीच टू माय फ्रेंड्स प्लेस एंड उसके यहाँ पे थोड़ा लंच वंच किया जाएगा, फिर उसके बाद बाहर निकला जाएगा, देयर विल सी वेयर वी कैन गो। छोटे बच्चे कचरा उठाते हुए, पता नहीं आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे। बस यहाँ से लेफ्ट लेकर के देन गेट नंबर 2 और उसके सामने एक गली जाएगी, उसी गली में थोड़ा अंदर चल के मेरे हमारी जो डेस्टिनेशन है वहीं पे है जी। हाँ यहाँ से आप सीधे चलिए, हाँ हाँ लेफ्ट में ना गली आएगी, हाँ यहाँ से अंदर ले लो। अब मुझे मैप देखना पड़ेगा। हाँ जी सर, सीधा चलिए और बस चलते रहिए। गलियाँ काफ़ी थोड़ी सी पतली, थोड़ा कंजस्टेड है यहाँ पे ना, लेकिन बस वही है कि लोग अपना काम चला लेते हैं और दिल्ली में तो ऐसा ही होता है। आगे से आपको लेफ्ट लेना है, बस जहाँ से बाइक निकली है ना अभी वही वहीं पे आपको रोकना है। आप मतलब यहाँ से राइट ले लीजिए, यहाँ से आप सीधा यहीं पे रोक लीजिए। चलिए थैंक यू भाई साहब। सो फाइनली वी हैव रीच्ड, अभी देखता हूँ उसका रिएक्शन कैसा होगा। 4 महीने बाद में उससे मिल रहा हूँ। Vlogger, vlogger. What is it, man? How are you, man? Sale. What is it, man? Thank you. ये देख मेरा बैग नीला हो गया। ये देख मेरा जूता काला हो गया। इसमें अबे उसमें टूटने वाला सामान और क्या बात है भाई? एकदम रॉयल, रॉयल लग रहा है भाई, रॉयल एकदम, रॉयल घर, क्या बात है? ये घड़ी ठीक कर रहा था क्या तू? नमस्ते आंटी जी।